देश में अनलॉक टू शुरू हो गया है और ऐसे में प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक टू की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सीएम त्रिवेंद्र के अनुसार अनलॉक टू में राज्य में काफी सहूलियतें दी जा रही हैं। प्रदेशवासियों के लिए चार धाम यात्रा खोल दी गई है। होटल व्यवसाय को गति देने के लिए पर्यटक प्रदेश में आकर होटल में ठहर सकते हैं। इसके लिए उनका दरअसल 48 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। वहीं सीएम के अनुसार अभी प्रदेशवासियों के लिए यात्रा शुरू की गई है, जल्द प्रदेश के बाहर के लोगों के आने पर भी फैसला लिया जाएगा। लगभग काफी छूट है और यात्रा भी जो हमारे चार धाम की यात्रा है उसको हमने प्रदेशवासियों के लिए खोला है। जो हमारे पर्यटन है, जो होटल व्यवसायी हैं और जो पर्यटक जो यहाँ पर आना चाहते हैं उसके लिए भी उनके लिए रास्ता खोला है कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं, होटलों में ठहर सकते हैं। उसकी एक समय सीमा निर्धारित की है और 48 घंटे का पहले का उनका अगर कोविड टेस्ट है और वो नेगेटिव आया है तो सभी लोग उत्तराखंड में आ सकते हैं।